हम बात करेंगे REC के स्टॉक के बारे में, REC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको मार्च से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी, लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर तेजी देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.30% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 24 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 320, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 350, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 375 और 400 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 280 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 260 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी अगेन 242 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।